बाद मुझे 2 दिन से कह रहा था पापा वेइंग मशीन ला दो, वेइंग मशीन ला दो। मुझे याद ही नहीं था, मेरे पास रखी हुई थी, बस इसकी बैटरी चेंज करानी थी तो मैं बनवा के ले आया। बहुत प्यारी वेइंग मशीन है, बस इसकी बैटरी वीक हो गई थी। अच्छा, इसमें दुकानदार बता रहा था, भैया इसको नीचे रख के जमीन पे ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, स्किड करते हैं ना अपने, बस खींच के नापते हैं तो इसके सेंसर्स होते हैं, घिस जाते हैं तो ये खराब हो जाती है। इसको बस एक जगह पे प्लांट कर दीजिए और बस वहीं पे चाहिए, इसको नीचे से रगड़िए नहीं, या तो इसके नीचे हार्ड बोर्ड रख लीजिए, उसने कहा था, उसको खींचा करिए। 92 रूम का साइज है 14x10 और इस तरफ है विंडो, ये है विंडो जहाँ पे एसी लग सकता है। चौड़ाई इसकी थोड़ी कम है, 22 फिट है, 22 इंच। ये निकल के दूसरे रूम में जाएगा और यहाँ पे स्प्लिट लग जाएगा, यहाँ ऊपर बेड के सामने ये बेड है, क्योंकि मुझे ग्रो करना चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे ठीक है, उसकी सोच है वो जो भी बोले, बट दिमाग में चल रही है यार, और भारीपन ला रही है। मैंने नोटिस किया 2 दिन से, मैं पीछे 2 दिन पहले एक फ्रेंड ने मुझे बोल दिया कि यार मनीष भाई कुछ करो यार, हेल्थ के लिए कुछ करो, तुम तो यार एकदम गलत है यार। भाई वो फिट था, है ना, आजकल फिट होने का क्या है, लोगों का लॉजिक क्या है ना, कि अगर आप पतले हो तो आप फिट, बस एक ही लॉजिक है, अगर आप पतले हो, दिखने में ठीक हो, तो आप बस सब तरह से ठीक हो। भाई हजारों अंग हैं शरीर में, हजारों बीमारियां हो सकती हैं, तो मुझे तो समझ नहीं आया यार। सबकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, सबकी अपनी फिजिकल पोजीशन होती है, समझ रहे हो, सोशल होता है, 5 स्तंभ होते हैं लाइफ में, फैमिली, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, समझ रहे हो, 5 चीजें होती हैं। कभी कभी कोई पिलर बहुत डाउन होता है, उसको अप करने के लिए आपको सालों लगे रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है सालों साल। आप भूल जाते हो कि आपका फिजिक कैसा है, क्या है, आपके दिमाग में वही चलता है, भाई मुझे फाइनेंशियली फिट होना है, फाइनेंशियली अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करना है, या किसी की लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम है तो उसके दिमाग में सुबह शाम दिन रात हर वक्त एक ही थॉट होता है कि भाई मुझे कुछ भी करके अपनी जो फैमिली प्रॉब्लम चल रही है इसको ठीक करना है। कई महीनों कई साल लग जाते हैं लोगों को, भाई जब गुजरोगे तब पता चलेगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता किसी को भी कमेंट कर दो यार, वो भी करते ही चलेगा, मतलब एक बार बोल दिया हो गया। सहारा कम दे रहे हो मगर तुम जो है कंसर्न हो, साथ ही साथ तुम जो है मजा लेने लगी। कंसर्न होते तो किसी के लिए, अपने बेटे के लिए कोई चीज होती है, आपको कंसर्न होता है तो किनारे ले जाके एक बार बोलते हो, बार बार नहीं बोलते। बोलो बार बार अपने बेटे को, कोई बार बोलो, आपको भाई साहब बात करना बंद कर देगा, आपसे दूर दूर रहेगा, यार ये बाप मेरा साला हर वक्त चालू हो जाता। तो यार तरीका सीखो भाई, पहली बात तो लाइफ में किसी को कुछ बोलो ही नहीं, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी शरीर है, वो भी भगवान का ही रूप है यार, उसके अंदर भी सब कुछ है, उसको क्या ये नहीं है क्या है भाई, तुम्हारे पास ही सिर्फ है, ऐसा नहीं है, उसको भी मालूम है। एज तो देखो यार, 47-48 ईयर्स की एज है, तुम समझाए चले जा रहे हो, एक बार बोलो, बोलो ठीक है यार, तुम बोले ही चले जा रहे हो यार, दिस इज व्हाट। मुझे नहीं अच्छा लगा भाई, इस तरह से नहीं करना चाहिए आपको। बोलना है किसी को कुछ बहुत हल्के वे में बोल दो, हल्के भाई हेल्थ थोड़ा और ठीक कर लो, कूल कंसर्न दिखा दी तुमने अपनी। अभी पूछ लूं अगर मैं, भाई ऐसे बताओ क्या क्या करूं, कैसे कैसे करूं, तुम क्या क्या करते हो, और मैं पिछले 3-4 महीने से जो है उससे ज्यादा कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से उससे ज्यादा कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे अंदर कोई हेल्थ इशू हो जिसकी वजह से मेरा स्टमक नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, बाकी मैं फिट हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगा आपका
इस तरीके का कंसर्न, आप कंसर्न थे कि आप मजा ले रहे थे चार आदमी के सामने? आई डोंट लाइक इट. तरीका सही नहीं था भाई, नाम नहीं ले रहा हूं मैं आपका, बट अगर आप देखो तो आप समझ जाना कि मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। गुबे बू, क्या चाह रहे हो तुम? ऊपर उठाऊं? नाखून मार मार के मेरी जीन्स में छेद कर लेना। आजा 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 आजा। नहीं उठा रहा हूँ मैं इसलिए, आजा आजा, जंप मार दो आज तुम, जंप जंप। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं इस समय विकफील्ड पे आया हुआ हूँ और इस समय कोयला बराबर करने का काम चल रहा है। कोयले को पन्नी से ढक दिया जाएगा, इस कोयले को पन्नी से ढक दिया जाएगा, टेपर बनाया जा रहा है जिसकी वजह से पानी ना रुके और धूप और पानी से कोयला बचा रहे, उसकी स्ट्रेंथ बची रहे। दो डबल पन्नी लगा दी जाएगी। इस समय सारे चट्टों को चूना लगा के, देख रहे हैं वाइट पट्टी, चूना लगा के इस तरह से बंद किया जाता है ताकि हर थान से कपड़ा ना कटे, जैसे दुकानदार करते हैं कपड़े के, उस तरह से हम लोग भी चट्टों को करते हैं। इन चट्टों पे अभी होना बाकी है, इधर हो गया है, एक एक छोटी सी पट्टी लगा दी जाती है चूने की, वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको, जिससे ये होता है कि अब इन चट्टों से अभी ईटा नहीं उठना है। वन बाय वन चट्टे खोलते हैं, आराम रहता है, देख रेख हो पाती, काउंटिंग हो पाती है जिससे। इसी में अगर दो धारी है और नीचे होती, हाँ, ये भी चट्टा बहुत बढ़िया नहीं, एकदम बहुत सही लगा हमें, एकदम से पैकिंग बहुत, एकदम बराबर धारियां कटी हुई एकदम बराबर, बस थोड़ा सा चूना लगने का काम रह गया है। टाइल को भी लाला बहुत बढ़िया तरीके से पैक करा दो, ये टाइल तुम्हारी एक दो साल चलेगी, जल्दबाजी नहीं करेंगे इसको। हाँ, एक हल्की चूना लगवा देना इस पे भी, आगे पीछे पूरा। अभी यहाँ सफाई हो रही थी तो यहाँ सांप दिखाएगा, कितना बड़ा रहा है। कौन से में? सात नंबर। लगवाओ यार कल दो तीन पे, दो तीन तो दिख रहा है, अब देख लेना चार पे भी है कि नहीं। इटीना कोई उड़ने वाला नहीं है ना, जितनी भी आंधी आ जाए। हमको यार ये बेड़े बेड़े वाले सही नहीं लग रहे, बेड़ी बेड़ी चादर जो रखी है ऊपर। अब इसको भी ढकवाओ यार अच्छे से, ऊपर से कांटा वापस डलवा देना, कांटा हटवाना नहीं, कांटा जरूर रखवाना। Thank you.